प्रभु यीशु मसीह के जलाली और मधुर नाम में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। वचन से जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना, वचन पर मनन करना। अगर आप चाहते हैं कि आप छूट सके, बीमारियों से आजादी पा सके, तो इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये वचन आपको बनाएगा, ये वचन आपको सिखाएगा कि आपने कैसे हीलिंग और डिलीवरिंग पानी है अपने जीवन में, कैसे प्रभु की ओर बढ़ना है और कैसे स्वर्ग राज के लिए तैयार होना। हालेलुया। वचन हम निकालेंगे लूका उसकी 5 बाब और उसकी 18 ऐसे हम पढ़ेंगे। तो वहां एक लकवे की रोगी की बात हो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह सबके बीच में प्रचार कर रहे थे तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो बहुत सारे क्राउड था, और क्योंकि लोग वचन सुन रहे थे, लोग चंगे भी हो रहे थे, तो बहुत सारा क्राउड था। उनमें से जो लकवे का रोगी था, जो मंजे पर आया था, जो कई लोग उन्हें लेटा के लेके आए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने उसकी मंजे को उठाया और एक तकनीक लगाई कि प्रभु के सामने जाया जा सके, कि प्रभु चंगा कर दे। तकनीक उन्होंने ये लगाई कि उन्होंने जो जिस शब्द के नीचे प्रभु यीशु मसीह वचन कर रहे थे, उस शब्द को उन्होंने थोड़ा सा उधेड़ दिया, जिसे हम कह सकते हैं एक्साइट कर दिया, और वहां से उसकी जो खाट थी जिसमें वो लकवे का रोगी लटाया हुआ था, तो वहां उस खाट को नीचे सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास वो लेके आए, और लेके आने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देख के हैरान हो गए कि ये इतना बड़ा विश्वास इन लोगों का। क्या कहा, आइए हम वचन में पढ़ते हैं, 20 में पढ़ेंगे। तो वहां लिखा, उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो। प्रभु ने उसके विश्वास को देख के कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो। एक बात यहां ये समझ नहीं आ रही है, वो रोगी चंगा होने के लिए आया है, तो पाप का भी इसमें क्या मतलब आ गया? प्रभु यीशु मसीह उसके पाप को क्यों कह रहे हो? प्रभु यीशु मसीह को तो कहना चाहिए, रोगी तू चंगा हो गया, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ये पाप बीच में कहां से आ गया? मेरे प्रिय भाई बहनों, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बीमारियां होती है, कुछ ऐसे रोग होते हैं, जो कुछ ऐसे कर्जे होते हैं, जो जनरेशन कर्ज होते हैं, जो हमारे पाप के द्वारा आ जाते हैं। चाहे जिनको ने कुछ पाप किए, जो जिनका खमियाजा आप बच्चों को भुगतना पड़ता है, कुछ आपके पाप किए होते हैं जिसके कारण आपके जीवन में बीमारी आती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा कीजिए। आज सभी को जरूरत है अपने पाप क्षमा करवाने की। बहुत सारे लोग भीड़ों की भीड़ चर्च में जाती है, और बहुत सारे लोग चंगे होकर वापस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपने पापों को प्रभु की प्रेजेंस में जाके मानते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। तो प्रभु उनके दिल को देखकर उन्हें क्षमा करता है, और साथ साथ उन्हें चंगा भी करता है। हालेलुया। तो उनका विश्वास कितना था वो भी देखिए, किस लेवल पर उनका विश्वास था। क्या वो इतनी भीड़ थी, वो भीड़ को देख के वापस चले गए क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया, तजर्बा निकाला कि कैसे हम प्रभु के पास और नजदीक जा सकें, कैसे हम नजदीक जाएं। आज कितने लोग जो प्रभु के नजदीक जाते हैं, कितने लोग जो दिन रात प्रभु को दुहाई देते हैं, कितने लोग जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर, मैं तेरे पास आता हूँ, प्रभु की धन्यवाद करते प्रभु का, कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। सब मांगने पर प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें वो दे दे। क्या कभी आपने शुक्राना इन सब चीजों को कहा? कभी आपने कहा कि प्रभु मैं तेरे सुसमाचार करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। ये दुनिया की चीजें ये चलती रहेंगी, ये अभिलाषा कभी इंसान की खत्म नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप छूटना चाहते हैं इस लकवे की रोगी से, सीखिए कि वो कैसा अपना विश्वास लेके भवन में गया, कैसा विश्वास लेकर वो घबराया नहीं कि आज मेरी बारी नहीं आई है, आज प्रभु की दास मेरे ऊपर ले हैंड नहीं किया, आज फोन के द्वारा मेरे पर प्रार्थना नहीं हुई। वो हारा नहीं, वो बार बार उस भवन में जाता होगा, बार बार प्रभु के पास जाता होगा कि आज नहीं तो कल मेरी बारी आएगी, प्रभु मेरी ओर देखेगा, प्रभु मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास। प्रिय भाई बहनों, विश्वास में बने रहे। प्रभु आपसे बहुत मोहब्बत करता है, प्रभु कुछ समय के लिए आपको वो चेक भी करता है। क्या आप घबरा जाते हैं? क्या मैं जो आपको हीलिंग, जो डिलीवरी देने वाला हूं, उसके द्वारा कुछ आप सीखते हैं अपने जीवन में कि नहीं? जंगवाई लेके आप पीछे चले जाएंगे फिर से वही दुनिया में जहां से आप आए हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को बदले। अगर गवाही बड़े चाहते हैं तो अपने आप को बदले। मैंने बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन देखे जो हमसे प्रार्थना करवाते हैं, चंगे हो जाते हैं, गवाही जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आनी शुरू हो जाती है। क्या करते हैं कि वो गवाही नहीं देते, फोन पे करते हैं हमारा काम बन गया आपकी प्रार्थना के द्वारा, पर वो ये नहीं कहते कि हम वीडियो गवाही बनाकर एक व्हाट्सएप पर सेंड कर दें जिसके द्वारा मेरे पिता परमेश्वर की महिमा होगी, जिसने मेरे जीवन पर काम किया है। हम कहते थक जाते हैं, भाई अपनी वीडियो बना के भेजो ताकि हम
कलीसिया को बता सके, देखिए परमेश्वर कैसे आप लोगों से प्यार करता है, वो चाहता कि आप सब छूटे। इस दिन आप प्रभु की वैल्यू को समझाएंगे, प्रभु के सामर्थ को समझाएंगे, प्रभु के अभिषेक को समझाएंगे, आदर करेंगे, ऑनर करेंगे, उसी दिन प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया, आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है आप छूट चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। अगर ये लकवे की रोगी जैसा आपके अंदर विश्वास है तो आप छूट चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आज से कह लेते कि मैं पापों से दूर हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे जितने पाप मैंने किए हैं, और प्रभु मैं गवाही दूंगा, वीडियो गवाही बना के दूंगा, तो आप छूट चुके हैं यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया, उनको बंद कर ले। जहां कहीं प्रॉब्लम है, किसी को दर्द है, तकलीफ है, रसौली है, पथरी, किसी कहां भी प्रॉब्लम है, आप वहां पर अपने हाथ रख ले। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहा है, आपको छुड़ाने जा रहा है, आपके कर्जों को दूर करने जा। आप रात रात सोते नहीं हो, बहुत सारे भाई बहन ऐसे जो रात रात नींद नहीं आती है, टेंशन खा रही है, कर्जे सता रहे हैं, आज प्रभु आपको छूने जा रहा है, आज प्रभु आपको क्षमा करने जा रहा है और आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, विश्वास से प्रार्थना को सुनना। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद कहते हैं पिता, धन्यवाद कहते हैं कि आपने दिन भर हमें संभाला प्रभु, और ये समय भी आपने हमें दिया प्रार्थना करने के लिए प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे अपने वचनों में प्रभु जी हमने आपके वचनों में हमने पढ़ा खुदा, लुका की इंजील में खुदा, जैसे वो लकवे का रोगी अपने विश्वास के साथ प्रभु आया और उसके विश्वास के द्वारा वो चंगा हुआ, वो छूटा पिता परमेश्वर, और आपने कहा जा तेरे पाप माफ हुए पिता परमेश्वर। आज अगर ये लोग विश्वास करते हैं उस लकवे की रोगी की तरह कि मैं भी ऐसा विश्वास लेकर प्रभु के पास जाऊंगा, तो प्रभु आज इन्हें छुड़ाना पिता, आज इनके बंधन तोड़ना पिता परमेश्वर, चाहे कई कई सालों के जकड़े क्यों ना, प्रभु यीशु आज तेरे सामर्थ्य में वो बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। खुदावंत पिता मैं धन्यवाद कहती हूँ आज के पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन, उसके लिए हम थैंक्स करते हैं खुदा यीशु आजा। पिता मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा इन भाई बहनों के लिए जो अधिकार तूने मुझे दिया खुदावन, कि जाओ बड़े बड़े काम करो, मुझसे भी बड़े बड़े काम करो, रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो और मुर्दों में सांसें डालो पिता परमेश्वर। उसी अधिकार से प्रभु परमेश्वर मैं प्रभु तेरे के प्रार्थना करती हूँ खुदा, हर अंधकार की शक्ति मेरे भाई बहनों को छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। जो भी पाप है खुदावन आज ने तो इनके पाप सारे क्षमा कर दे पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में बड़ा काम हो सके प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर अगर कोई बीमार है खुदा, कोई रोगी है खुदा, पैर नहीं चल रहे पिता प्रभु जी, टांगे काम नहीं कर रही, तो प्रभु यीशु आज तेरा बल इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों पर प्रभु तेरा बल आए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भाई बहन सोचते हैं खुदावन कि हमारे मसले हल नहीं हो रहे, प्रभु आज सब मसले इनकी हल हो जाए, कोई कर्जा ना रहे प्रभु यीशु राजा इनके जीवन में पिता परमेश्वर। मैं हर अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में इनके जीवन से डांटती हूं, ये बीमारी यीशु के नाम से मेरे भाई बहन को छोड़ और चल भाग यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर गठिया यीशु के सामर्थ्य में जाता रहे, हर दर्द हर पेन प्रभु यीशु के सामर्थ्य में जाती रहे, हर चिंता हर भय प्रभु यीशु के सामर्थ्य में जाती रहे, हर तरह की प्रॉब्लम खुजली की प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में जाती रहे, एक गले में ट्यूमर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता रहे, रसौलियां पथरियां पानी वाली रसोईयां यीशु के सामर्थ्य नाम में जाती रहे, जिन बहनों के गर्भ बंद है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में गर्भ खुले पाए पिता परमेश्वर। इस साल प्रभु जो आने वाला साल है प्रभु परमेश्वर 22 साल खुदा इनके लिए बड़ी आशी बरकत का कारण हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये प्रभु प्रभु इनको घर मिलने पाए इस 22 साल में पिता परमेश्वर, ये अपने घरों में हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, जो 24 में प्रभु फंसे हुए खुदावन उन्हें रास्ता मिलने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, प्रभु तेरे दूध उनकी अगवाई करे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो भाई बहनों के पति पत्नी के बीच में जो रगड़े झगड़े है खुदावन यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में हर रगड़ा झगड़ा खत्म हो जाए प्रभु परमेश्वर, खुदावन पिता परमेश्वर फिर से हवा और आदम के बीच में प्रभु प्रेम आ जाए खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता, धन्यवाद करते प्रभु। जिन बच्चों के प्रभु कान बंद है खुदावन, जिन बच्चों की आंखों की लाइट कम है खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता वो लाइट वापस आए, वो कान सुनने लगे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, वो कान खुल जाए यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, वो आंखें देखने लगे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता, धन्यवाद हो सैनों को यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो रसौलियां पथरियां खुदावन किडनी प्रॉब्लम खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में जाती रहे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी विनती को सुन लिया प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा सारा इज्जत सारा जलाल यीशु राजा तेरे नाम को देती हूँ और सदा देती रहूंगी, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और बड़े जलाली नाम में मैं मांगती हूँ। सब बोलिए आमीन आमीन। आज चंगी हो चुकी है, आज आप फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, विश्वास करते हो परमेश्वर पर, विश्वास करते रहना, पर वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने सुंदर समय हमें दिया वचन बांटने का, और धन्यवाद करते हैं पिता का जिन्होंने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, जिन भाई बहनों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाही बन रही है। इस नीचे नंबर आया, इस पर गवाही भेजना ना भूलना। व्हाट्सएप पर अपनी जैसे हम सेल्फी खींचते हैं उसी फोन से, क्या हम प्रभु की महिमा के लिए एक वीडियो गवाही नहीं भेज सकते? देखिए फायदा आपका ही है, फायदा आपका ही है। आप वीडियो गवाही बना के भेजेंगे कि हमारे जीवन में ये काम हुआ, तो प्रभु आपको और ऊंचा करेगा, क्योंकि आप उनके नाम को ऊंचा करें, प्रभु आपको और ऊंचा करेगा। हालेलुया, सबको जय मसीह की।